Hello dear children, welcome to RPS Summer Camp Creative Classes. Meet my new friends. He is Chiku, hello. She is Chinky, hi. So today we will learn how to make a playful frog or bunny. You can call it also paper puppet. Let's see what are requirements you need for this. आपको इसके लिए शीट, स्केल, इरेजर, पेंसिल, फेविकॉल, क्रेयॉन्स, स्केच कलर, पेंसिल कलर, आप इन तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, एक मार्कर और या फिर आप ब्लैक स्केच. नाउ अब स्केल से आप 28 सेंटीमीटर मेज़र कर लोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन 10 सेंटीमीटर की, सेम बोथ साइड 10 सेंटीमीटर, अगेन 28 सेंटीमीटर. अब हम डाउन साइड में 9 सेंटीमीटर मार्क करेंगे, लाइक दिस. सेम अप साइड में भी हम 9 सेंटीमीटर मार्क कर लेंगे. नाउ लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में 1-1 सेंटीमीटर हम छोड़ेंगे. देन 10 सेंटीमीटर हमारा बीच में बचता है, हम 10 सेंटीमीटर बोथ साइड लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इन सेंटर 8 सेंटीमीटर लाइन, लाइक दिस. डाउन एंड अप, हमारा एक रेक्टेंगल बन गया इधर 10x8 सेंटीमीटर का. अब हम आईज के लिए हम कोई भी बॉटल, कोई भी सर्कल के लिए हम ले लेंगे शेप के लिए और उससे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. देन सेम हियर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. अब हम मार्कर के शेप से, मतलब ज़्यादा बड़ा सर्कल नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, नोज़ के लिए इस तरीके से 2 सर्कल्स कर लेंगे. अब आईज़ के ऊपर से हमें ये ध्यान रखना है, हमें इक्वल मेजरमेंट रखते हुए हमें इस तरीके से थोड़ा सा कर्व देना है. नाउ अब हम यहाँ से एक कर्व देकर स्लीपिंग देन कर्व हमने दे दिया. अब हम इसका सेंटर, 10 का सेंटर क्या होता है 5 पे हम सेंटर में मार्क करके यहाँ से हम एक कर्व देते हुए डाउन साइड पे ज्वाइन कर देंगे. देन इधर से भी हम, लेफ्ट साइड से भी हम कर्व करते हुए डाउन साइड से ज्वाइन कर लेंगे. सेम अब हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. एक इंटरनली हम एक और सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. नाउ अब हल्का सा कर्व देते हुए नीचे हमें इस तरीके से कर्व देते हुए हम एक स्लीपिंग लाइन और ड्रॉ करेंगे. नाउ अब हम यहाँ से एक कर्व करेंगे इस तरीके से, फिर इधर राइट साइड में भी हम कर्व देंगे. देन स्केल की हेल्प से बीच में हम वी शेप में मार्क करेंगे. अब लेग्स के लिए, आपको पता है ना फ्रॉग के लेग्स कैसे होते हैं, इस तरीके से हम एक कर्व देंगे दोनों साइड में और लेग नीचे थोड़ा सा पतले पतले होते हैं तो इसलिए हम पतला सा स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. नाउ अगेन एक लाइन हम और ड्रॉ करेंगे. ये जो हम बना रहे हैं हैंड्स के लिए, सिटिंग पोजिशन में है तो ये जो हमारे बन जाएंगे हैंड्स, फ्रॉग के हैंड्स के लिए. नाउ आईज के अंदर हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसको हम मार्कर से फिल कर देंगे या फिर आप स्केच कलर भी ले सकते हो. अब हम कलर स्टार्ट करते हैं. फ्रॉग किस कलर का होता है हमारा, ग्रीन कलर का, तो हम लाइट ग्रीन कलर ले रहे हैं. यहाँ पे मैं फिर से बोलूँगी, आप स्केच कलर यूज़ कर सकते हैं, क्रेयॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल भी कर सकते हैं, विच यू हैव, आपके पास जो कलर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं. बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो भी आप पैटर्न यूज़ करेंगे, चाहे वो डायगोनली हो चाहे हॉरिजॉन्टली हो, तो वो आप कंप्लीट पूरे फ्रॉग में सेम पैटर्न रखें, डायगनली करें या फिर हॉरिजॉन्टली करें. उससे क्या है कि आपकी कोई भी कलरिंग अगर आप कर रहे हो तो वो अच्छी लगती है, आप रफली नहीं करेंगे कलर.
अब मैं डायगनली कर मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कंप्लीट पूरे फ्रॉग में डायगनली ही किया है. सी अब हम डार्क कलर लेंगे, लेग्स को हम डार्क कलर में करेंगे और थोड़ा सा बॉडी पार्ट डार्क ग्रीन कलर है. सी सेम कंप्लीट आपको ये डार्क ग्रीन कलर में करना है. अब नोज में भी हम डार्क ग्रीन कलर करेंगे. अब माउथ में, हम यहाँ पर जो बॉक्स है वो पूरा ही हम लाइट पिंक कलर से फिल कर देंगे. सी कंप्लीट. देन अब हम डार्क पिंक कलर लेंगे, वो हम सेमी सर्कल में ड्रॉ करेंगे. फिर उसके बाद हम ब्राउन कलर लेंगे, वो हम इनर सेमी सर्कल में फिल कर देंगे. देन अब ये हार्ट शेप में जो माउथ के हमने जो शेप दिया उसमें हम रेड कलर फिल करेंगे. कंप्लीट. नाउ अब हम मार्कर से आउटलाइन कंप्लीट करेंगे. पूरे में आपको जहाँ जहाँ आपने लाइंस ड्रॉ करी हैं वो आपको पूरा ही मार्कर से फिल करना है, लाइक दिस. अब हम आइज़ को भी फिल करेंगे. एक छोटा सा सर्कल और बना लो, फिर उसके बाद कलर करो, क्योंकि उसमें वाइट थोड़ा सा होता है तो लगता है कि हाँ दिख रहा है लाइट. कंप्लीट हम मार्कर से फिल कर देंगे. देन मार्कर से करने के बाद हम अब सीजर लेंगे. सीजर से हम इसको कट करेंगे और उसके बाद हम जादू देखेंगे. हम सिंपल ड्राइंग से लाइक दिस. अब ये आ गया. अब हम इसको, ये जो लाइन है, इस फोल्ड करेंगे सेम हियर. अब जो फोल्डेड एरिया है ये और ये, हम इसको मिलाकर फोल्ड कर देंगे. सी अब हम होल्ड करने के लिए इसमें स्ट्रिप्स लगाएंगे. तो हम स्ट्रिप के लिए दो स्ट्रिप इक्वली हम कट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे दोनों साइड से. नाउ टेक फेविकॉल, अप्लाई इट, देन पेस्ट इट बैक साइड लाइक दिस, सेम अपसाइड एंड डाउन साइड. नाउ होल्ड इट, से हेलो, हाउ आर यू? सो डियर चिल्ड्रन, कैसा लगा आपको प्लेफुल फ्रॉक? इट्स नाइस ना? आपको अगर बनी भी बनाना सीखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने शेयर किया है, वहाँ से आप पेपर बनी भी बनाना सीख सकते हैं. बाय बाय, वी विल मीट नेक्स्ट पीरियड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.